आज मैं पाव भाजी का रेसिपी देने वाली हूँ। और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें और कमेंट। और आज मैं पाव भाजी का रेसिपी देने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सरसों तेल डालेंगे, और तेल को गरम होने देंगे। देख सकते हैं तेल गरम हो रहा है। और अब हम लोग इसमें गाजर डालेंगे, गाजर डालने के बाद पत्ता गोभी, पत्ता गोभी देने के बाद शिमला मिर्च, शिमला मिर्च देने के बाद खीरा, तो अब इनको सबको फ्राई करना है, इनको फ्राई करते रहना है। तो अब हम लोग इसमें पेस्ट अनुसार नमक और नमक दे देंगे, और चुटकी भर हल्दी, नमक देना है। उसके बाद इसको मिला लेना है, जैसे मिला लेना है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, देख सकते हैं पानी दे दे के इसको, आपको इसको पहले बॉईल नहीं करना है, पानी दे दे के बॉईल करना है, मतलब फ्राई करके थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको भूनेंगे। कुछ देर के लिए ढक देंगे, थोड़ा सा चलाना है। ढक ढक के चलाना, मतलब ढकिए फिर थोड़ा देर में चलाइए। बॉईल किए हुए मैश आलू लेंगे, हम लोग फिर थोड़ा सा पानी देंगे, और ये पानी सूखेगा तब का इंतजार करेंगे, ये पानी सूखने तक का इंतजार करेंगे। और सारे सब्जी को सॉफ्ट करना है, जब तक ये पानी सूख रहा है तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसे ढक के रखना है। हम लोग को पाव भाजी मसाला देना है, पाव भाजी मसाला देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसका सारा पानी अभी हम लोग को सुखाना है। हम देख सकते हैं कैसे कलर चेंज हो रहा है, इसका सारा पानी सुखाना है। अब इसको ढक देते हैं। हम लोग मटर डालेंगे, फ्रेश मटर, और इसमें हम लोग थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे।
इसको मिक्स कर लेंगे। ये तब तक सूखेगा। देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा और ड्राई होगा। ये हो चुका है लगभग, तो थोड़ा सा ये और ड्राई होगा। आलू मेशन से या किसी से भी पूरी तरह से मैश कर देना है। देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट हो रहा है, कैसे मैश हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुका है, तो अभी ये बहुत फ्राई होगा। अभी ये थोड़ा सा और फ्राई होगा। अच्छी तरह से मैश हो गया है, तो थोड़ा सा और फ्राई होगा। ये फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं हम ये। तो अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। बटर डाल दिए हैं, बटर और कोनो तेल और बटर एक साथ डाले हैं। तो जब तक बटर मेल्ट हो रहा है, बटर और तेल एक साथ डाले हैं, देखते हैं। अब पूरी तरह से बटर मेल्ट हो चुका है, तो इसमें हम लोग अब मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची डाल दिए हैं, इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा। अब इसमें हम लोग बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, फाइन चॉप, और ये टमाटर, ये दो टमाटर है बड़ा बड़ा, इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले पाव भाजी मसाला 1 टेबल स्पून, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, ये नॉर्मल लाल मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर गोलमरीच, और इसमें डाल देना है। और उसके बाद लहसुन आदि का पेस्ट अब हम लोग डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आप इसमें डालिएगा तो। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से कितना अच्छा कलर आ गया है। अब तो अभी ये भुन जाएगा, ऐसे फ्राई हो चुका है। तब इसमें जो हम लोग का मसाला हम पहले बनाए थे उसको डाल देंगे। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। देखिए इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग हल्का सा पानी लेंगे। देखिए मैं पानी दे रही हूँ। अब इस पानी को पूरा सुखाना है। देख सकते हैं आप इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हम लोग 2 लेमन जूस इसमें
ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड इस सबको मिक्स कर लेंगे हम लोग। देख सकते हैं कितने टेस्टी दिख रहे हैं। लेकिन अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और मैश करेंगे। तो इसमें और पानी ऐड कर दिए हैं। तो अब जब तक ये पानी सूख रहा है तब तक हम लोग इसको ढक देंगे ताकि सारा पानी सूख जाए। तो हम लोग धनिया पत्ता आइसक्रीम स्प्रिंकल करेंगे। इसको ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको ड्राई भी रख सकते हैं। तो ना मैं ग्रेवी रखी हूँ ना मैं ड्राई रखी हूँ। तो अब हम लोग इसके ऊपर 1 टीस्पून बटर दे देंगे। बस 5 सेकेंड। तो अब चलते हैं पाव सेकने की तरफ। पाव भाजी अच्छे तरह से रेडी हो गई है, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं हम लोग पाव सेकते हैं। ले लिए हैं उस पर अब हम लोग बटर, या आप तेल में भी घी सकते हैं, लेकिन या देसी घी में भी आप सेक सकते हैं, लेकिन मैं बटर में सेक रही हूँ। देख सकते हैं ये बटर अब मेल्ट होगा। और देख सकते हैं धीरे धीरे बटर, सॉरी धीरे धीरे बटर मेल्ट हो रहा है। देख सकते हैं आप अच्छी तरह से बटर मेल्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। इससे पाव का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो अच्छा से मिक्स कर लीजिए और पाव को 2 साइड से कट कर लीजिए ऐसे, और उसको ऐसे रख दीजिए। अब ये बहुत बढ़िया सिकाता है। तो इसको अच्छी तरह से सेक लीजिए। आज बाबू वीडियो बनाई है, आज बाबू रेसिपी दी थी और वो खा के बता रहे कैसा बनाई है। अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। बस थोड़ा सा बटर ज्यादा हो गया, नहीं तो सब अच्छा है। फ्लेवर बहुत अच्छा आया है। तो आज बाबू रेसिपी दी थी, उस वो कभी कभी ये पाव भाजी ये सब बनाती है वो, तो उसको ये सब लॉकडाउन में बहुत कुछ वो सीख गई है बनाना। तो धीरे धीरे वो उसको भी जो जो बनाने आता है वो आपको रेसिपी देगी। तो आज का आपको रेसिपी कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। तो आज का यही रेसिपी था पाव भाजी। तो नए हैं चैनल पे तो नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और
लाइक करिएगा, खूब सारा फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को शेयर कीजिएगा। तो मेरी दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। अब मुझे लग रहा था कि आज भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन बाबू बोलने लगी मम्मी मैं बनाती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ, तो ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, इसी की वजह से मैं नहीं वीडियो बना पा रही थी। तो मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।